चुनाव आ रहे हैं उसकी सुखबुगाहट आपकी बातों से इसलिए समझ में आ गई क्योंकि बार बार 5 साल का जिक्र आया और एक तरह से हम कह सकते हैं कि कैंपेन लॉन्च हो गया आपका यहाँ से। लेकिन मैं चूंकि दिल्ली के अगर एक कोने में भी अगर एक आग लगती है तो समूचा देश नहीं समूची दुनिया देखती है कि देश की राजधानी में आग लगी है। जामिया में जो चल रहा है मैं उस सवाल से आपको शुरुआत करना चाहूँगी। जामिया में जो चल रहा है उसमें राजनीतिक दलों की और खासकर आपकी पार्टी की तरफ सीधे तौर पर उंगली उठा रहे हैं आपके विरोधी और कह रहे हैं कि आपका तो विधायक नजर आ रहा था, अमानतुल्ला का नाम लेकर यह कहा जा रहा है कि वो तो भड़काते हुए नजर आ रहे थे। इन सारी चीजों पर जो जामिया में चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनतंत्र के अंदर प्रोटेस्ट करना सबका जनतांत्रिक अधिकार है। किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकता है। कल जो कुछ हुआ, जो हिंसा हुई, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बसें जलाई गई, पत्थरबाजी हुई, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी सभ्य समाज उसको उसकी इजाज़त नहीं देता, हमारा संविधान भी उसकी इजाज़त नहीं देता। तो उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जिस तरह से दिल्ली की शांति भंग हुई उसको लेके मैं भी बहुत चिंतित हूँ। कल उसको लेके मैंने एलजी साहब से भी बात की थी। मैंने उनको भी यही कहा था कि जो असली दोषी हैं उनको चिन्हित किया जाए। अगर किसी ने बस जलाई तो कहीं ना कहीं तो उसका कोई वीडियो होगा। जो लोग भी वो बस जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको सजा दी जाए। आज भी मैंने हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने का समय मांगा है और मेरा मकसद उनसे मिलने का यही है कि मैं उनसे निवेदन करूंगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के अंडर में आता है, कि कुछ भी करके दिल्ली की शांति को बरकरार रखा जाए। तो आप एक मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली के आप इंतजार करना चाहेंगे कि पहले जाँच हो उसके बाद आप कहें कि किसने आग लगाई? दो चीज़ है। पहली चीज़ है इस वक्त शांति सबसे ज़रूरी है। कोई हिंसक घटना नहीं होनी चाहिए और किसी भी निर्दोष के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आज पूरे देश के अंदर स्टूडेंट्स सड़कों के ऊपर हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। स्टूडेंट्स ही तो हमारे देश का भविष्य है। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में जो जाते हैं वो दंगे फसाद करने नहीं जाते, वो पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आज अगर देश के स्टूडेंट्स, मुझे अभी भी बताया गया कि 22 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स देश भर में सड़कों के ऊपर हैं, अगर 22 यूनिवर्सिटीज़ के हमारे युवा सड़कों के ऊपर हैं तो उसके इशू को तो सॉल्व करना चाहिए। वो सही नहीं है। ये हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे ही देश के नागरिक हैं और वो जो भी मांग कर रहे हैं उसके ऊपर केंद्र सरकार को गौर करना चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि नागरिकता संशोधन जो हमने किया है वो किसी से कुछ छीनने के लिए नहीं किया है बल्कि 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए किया है। आपके अपने विचार क्या हैं इस पर? CAB जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, मैं मानता हूँ खतरनाक बिल है। हमने संसद में भी इसका विरोध किया था और संसद में इसके विरोध में हमने वोट किया था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस वक्त इस बिल की ज़रूरत क्या थी? क्यों लाया गया ये बिल? इस वक्त देश के सामने इतनी ज्वलंत समस्याएं हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहे। बता रहे हैं कि 40-45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस टाइम देश में है। लोग रोज़गार ढूंढ रहे हैं, सबसे ज़्यादा आर्थिक मंदी से देश गुजर रहा है, चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे समय में यही बचा था क्या बातचीत? मतलब पूरे देश के अंदर अब इसी की चर्चा हो रही है, ये तो मुद्दा नहीं होना चाहिए था। कब लाया जाता फिर? मुझे नहीं पता इसकी ज़रूरत क्या थी। अभी तो हमें पूरे देश को मिलके, केंद्र सरकार को, इस टाइम सब मानते हैं, एक आम आदमी मानता है कि आर्थिक मंदी से देश बहुत बुरी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। सब मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं, मीडिया भी मानता है, इकोनॉमिस्ट्स भी मानते हैं, आम आदमी भी मानता है। इस वक्त तो सारी पार्टियों के साथ मिलके सभी मुख्यमंत्रियों को बुला के अगर केंद्र सरकार बैठ के बात करे, भाई कैसे करें, क्या करें, बताइए, हम सब लोग मिलके देश को आर्थिक मंदी से निकालें, उसका समाधान निकल सकता है।
ये बड़े चिंता का विषय है कि जीएसटी का जो कलेक्शन है, केंद्र सरकार जो कलेक्शन करती है, वो इतना कम हो गया कि पिछले 2-3 महीने से केंद्र सरकार ने स्टेट्स का शेयर नहीं दिया है। इस मतलब आप सोच सकते हैं, स्टेट्स ने अपना सारा का सारा जो तरह तरह के टैक्स लेते थे वो सारा सरेंडर कर दिया था कि अब जीएसटी आएगा, एक ही टैक्स होगा और वो टैक्स केंद्र कलेक्ट करेगी और सब में बांट दिया करेगी। अब केंद्र कलेक्ट कर रही है लेकिन उसका कलेक्शन इतना ज़्यादा कम हो गया है कि पूरे देश के अंदर राज्यों को केंद्र सरकार ने जीएसटी का शेयर देना बंद कर दिया। राज्य सरकारें कैसे चलेंगी? राज्य सरकारें तो कोलैप्स कर जाएंगी।